चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे अपने घरों के अंदर। तो आप सबको याद है कि हमने यहाँ तक अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, 113 पेज को, ठीक है। इसका हमने हाफ पोर्शन कर लिया था और बाकी का अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर पाएं, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्टेड। द सेम सम रूल, अब हम जो है वो सेम का मतलब होता है सेम का मतलब होता है एक जैसा, सम का मतलब होता है प्लस करना और रूल का मतलब आप रूल ही समझ सकते हो, ठीक है। तो हम द सेम सम रूल लगाएंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सम फ्रेंड्स आर प्लेइंग विद नंबर कार्ड्स, सी हाउ दे ऐड। कुछ ऐसे फ्रेंड्स आपको नजर आ रही हैं, सारे फ्रेंड्स हैं ये नंबर कार्ड्स के साथ खेल रहे हैं और वो देखो कि वो कैसे, सी हाउ दे ऐड, वो देखते हैं कि वो कैसे ऐड करते हैं। ऐड का मतलब होता है प्लस करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये एक लड़का है, ये फ्रेंड है, इसने 11 नंबर पकड़ा हुआ है, इसने 12, इसने 13, 14, 15 एंड 16। फिर उन्होंने क्या किया, 11 और 16 को प्लस किया तो उनके पास आंसर आया 27। फिर 12 और 15 को प्लस किया तो उनका आंसर कितना आया 27। फिर 13 एंड 14 को प्लस किया तो उनका आंसर कितना आया 27। अब ऐसा कैसे हुआ, आप देखो कि जब 11 मतलब पहले उसने लेफ्ट साइड को ट्राई किया और राइट साइड के नंबर को मिलाया, फिर अगेन सेकेंड नंबर को मिलाया, फिर थर्ड नंबर को मिलाया। समझ पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा है 11, 12, 13, 14 एंड 15 एंड 16। तो पहले उन्होंने इस और इस नंबर को मिला, मतलब पहले लेफ्ट साइड का एक नंबर लिया और फिर इसका लिया, तो 11 प्लस 16 किया, जब आप प्लस करोगे आपके पास आंसर आएगा 27। फिर दूसरे नंबर को लिया दोनों तरफ से, 12 को और 15 को, तो भी आप प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 27। फिर तीसरे नंबर को लिया दोनों तरफ से, 13 प्लस 14 को, तो भी आपके पास आंसर आया 27, ठीक है। नेक्स्ट है, कैन यू सी द रूल विच गिव अस द सेम सम ईच टाइम। आपको बोले कि क्या आप, कैन यू सी द रूल विच गिव अस द सेम सम ईच टाइम। तो आपने रूल देख लिया कि क्या रूल है, मैंने आपको अभी समझा दिया उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आपके लिए लिख के भी दिया है। वी गेट द सेम सम व्हेन वी ऐड द टू नंबर्स, कि जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास सेम सम आता है। जैसे फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट, जैसे कि यह है आपकी लेफ्ट साइड, ठीक है, बाइन साइड, तो 11 लिया हमने, एंड फर्स्ट फ्रॉम राइट साइड जो आपकी दाइन साइड है, तो एक हमने इस तरफ से लिया। उसी तरह से फिर आपने सेकंड नंबर लिया फ्रॉम लेफ्ट साइड और सेकंड नंबर लिया फ्रॉम राइट साइड, उसी तरह से थर्ड नंबर लिया फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड देन फोर्थ नंबर लिया आपने, थर्ड ही नंबर लिया आपने लेफ्ट साइड से, तो आपके पास जो सम है वो सेम आ रहा है। सो आपको बोला गया है, अब नाउ यू राइट एनी नंबर एंड द थ्री नंबर आफ्टर दैट मेक अ पैटर्न यूजिंग द रूल। आपको बोले कि आपने कोई भी एक नंबर लेना है, उसके बाद आप उसने उसके आगे के तीन नंबर लिखने हैं और फिर इस पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे नंबर लेती हूँ 31, तो 31 से आगे के थ्री नंबर कौन से होंगे, 32, 33 एंड 34, ठीक है। और आपने रूल को करना है, क्या रूल है हमारा, पहले हम जो है वो लेफ्ट साइड से लेंगे एक नंबर और राइट साइड से लेंगे, तो 31 प्लस 34, तो सभी बच्चे जल्दी से प्लस करके बताएंगे कितना आंसर आएगा, 31 प्लस 34 कितना आंसर आ रहा है, 1 प्लस 4 कितने होते हैं 5, 3 प्लस 3 कितने होते हैं 6। अब आप फोर्थ क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, आपको प्लस करना आता होगा क्योंकि हमने थर्ड क्लास में अच्छे से सीखा है, ठीक है। वो कितना है हमारे पास आंसर, 65। अब हम सेम करेंगे, पहले हम लेफ्ट साइड का नंबर लेंगे एक, ये हो गया 32, फिर हम राइट साइड वाला नंबर लेंगे, ये हमने लिख दिया 33, प्लस करो सभी बच्चे कितना आंसर आ रहा है, 32 प्लस 33 कितना आंसर आया, 2 प्लस 3 कितने होते हैं 5, 3 प्लस 3 कितने होते हैं 6, फिर से 65 आंसर आया। तो ये वाला रूल यहाँ पे लगा है और आई होप आप जो है उसको समझ पाए होंगे। सी इफ यू गेट द सेम सम, देखो अगर आपके पास ही वैसे सम आ रहा है, तो हाँ हमारे पास वैसे ही सम आ रहा है जैसे हम इन्होंने यहाँ पे रूल लगाया हुआ है, ठीक है, समझ के सभी बच्चे। अब नेक्स्ट चलते हैं, पैटर्न्स विद एडिशन। अब आपने पैटर्न बनाना है कैसे, एडिशन के साथ प्लस करके। अब देखो उन्होंने क्या किया है, इस हर्ट के अंदर उन्होंने लिखा है 1, 2 एंड 3 और आप इन सबको प्लस करोगे कितना आंसर है, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितने होते हैं, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 6, यहाँ पे आंसर लिख दिया 6। उसी तरह से फिर लिखा है, फिर उन्होंने 2 से स्टार्ट किया अगले वाले को, 2 प्लस 3 और 4 होता है कितना 9। फिर उसके बाद इन्होंने 3 से स्टार्ट किया, 3 प्लस 4 प्लस 5 इज 12, ये है ना। ओ द सम ग्रोज बाय 3 ईच टाइम, अब आपको क्या बोला है कि जो सम है ग्रो कर रहा है, मतलब कि वो बढ़ रहा है 3 नंबर से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपके पास
सिक्स आया है, यहाँ पे आपके पास नाइन आया है, यहाँ पे आपके पास ट्वेल्व आया, तो हर बार जो वो तीन नंबर बढ़ रहे हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, देख पा रहे हैं आप? ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहली बार आपके पास नंबर आया सिक्स, दूसरी बार आया नाइन, तीसरी बार आया ट्वेल्व, अब हर बार आपको नजर आएगा जब आप नाइन में से सिक्स को माइनस कर दो। आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, कल भी हमने किए थे क्वेश्चन कि अगर आपको पैटर्न पता करना होता है कि कौन सा पैटर्न है, तो दो तरीके से हम पता करते हैं, ठीक है? देखो, अगर अगर आगे वाला नंबर बड़ा है तो हम माइनस करेंगे, और अगर आगे वाला नंबर छोटा है तो हम प्लस करेंगे, ठीक है? जैसे अब सिक्स के बाद नाइन आया है, तो अगर हमें इन दोनों के बीच में पता करना है कि कितने नंबर का डिफरेंस है, कितने नंबर का अंतर है, तो हम इसमें से इस वाले को माइनस कर देंगे। तो नाइन में से सिक्स माइनस करो, कितना आंसर आता है? थ्री, मतलब इन दोनों के बीच में तीन का गैप है। अगर आपको उसी तरह से ट्वेल्व और नाइन के बीच में करना है, तो आपने ट्वेल्व में से नाइन को माइनस कर देना है, तो भी आपके पास आंसर आता है थ्री। मतलब इन सब के बीच में तीन तीन का गैप है, मतलब हर बार तीन नंबर के साथ ही बढ़ता चला जा रहा है, तो यही आपको यहाँ पे बताया गया है। अब इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने एक और किया, यहाँ पे क्या है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, यहाँ पे आया आंसर टेन, यहाँ पे क्या है, फिर टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, आंसर कितना आया फोर्टीन, इसके बाद थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, आंसर कितना है एटीन। अब ये क्या बोल रहा है, हेयर द सम ग्रोज बाय फोर ईच टाइम, यहाँ पे उसने बोला कि हर बार चार नंबर के साथ सम बढ़ता जा रहा है। आप चेक भी कर सकते हो, 14 में से 10 माइनस करो, कितना आंसर आता है 4। उसी तरह से आप 18 में से 14 माइनस करो, आपके पास कितना आंसर आ रहा है, 8 में से 4 माइनस किया 4, 1 1 में से 0, तो 4 ही आंसर आ रहा है ना। अब आप यहाँ पे एक और चीज नोटिस करें, यहाँ पे हमने 4 नंबर लिए, 1 2 3 4, यहाँ पे चार नंबर लिए हमने, और जो ऊपर वाला था यहाँ पे हमने कितने नंबर लिए थे, 1 2 3, यहाँ पे हमने तीन नंबर लिए थे, हर जगह तीन तीन लिए थे, तो यहाँ पे जो सम था वो तीन नंबर से बढ़ रहा था, यहाँ पे हमने चार नंबर लिए तो यहाँ पे जो सम है वो चार नंबर से बढ़ रहा है, ठीक है? आपको बोला गया है, नाउ यू ट्राई टू मेक सच अ पैटर्न विद फाइव नंबर इन ऑर्डर, आपको बोला कि आपने पांच नंबर यूज करने हैं यहाँ पे और इस तरह का पैटर्न बना, तो हम भी बना सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5, और सभी बच्चे फटाफट से प्लस करके बताएंगे कितना आंसर आया है, 1 में 2 प्लस किए कितना आया आंसर 3, अब 3 में 3 प्लस किए कितना हुआ आंसर, जल्दी से बच्चे प्लस करेंगे 6, 6 में 4 प्लस किए कितना आया आंसर 10, 10 में 5 प्लस किए कितना आया 15, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 15, आपको मैसेज भी कर देती हूँ 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, फटाफट से प्लस करके बताओ सभी मुझे, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, आराम से सभी बच्चों ने प्लस किया। अब हम सेम यहाँ पे आया आंसर 15, अब आपने दो दूसरे वाले नंबर से शुरू करना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, अब हमें पूरे पांच नंबर करने हैं ना, तो यहाँ पे अगर हमने 2 से स्टार्ट किया तो एक नंबर हमारे पास 6 आ जाएगा। अब आपको प्लस करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है प्लस करने की बताएंगे सभी बच्चे मुझे, क्योंकि यहाँ पे हम कितने नंबर यूज कर रहे हैं, पांच नंबर यूज कर रहे हैं ना, तो हमारा जो सम आएगा वो कितने नंबर के बाद आएगा, पांच नंबर का ही गैप होगा, समझ रहे हैं? आपको मैं फिर से करा के दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे जो हमने पैटर्न किया था, ये वाला जो हमने पैटर्न किया था, जब हमने 1 2 3 लिखा था तो हमारे पास आंसर आया था 6, फिर हमने जब 2 3 4 किया था तो हमारे पास आंसर आया था 9, इन दोनों के बीच में कितने, तीन नंबर का गैप आ रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे तीन नंबर को यूज कर रहे थे। फिर हमने लिखा 1 2 3 4, फिर हमारे पास कितना आंसर आ रहा था यहाँ पे 12 आया था, देख लेते हैं एक बार, 10, मैं प्लस नहीं कर रही हूँ ना, जैसे ये आ रहा था हमारे पास 10, फिर हमने नेक्स्ट 2 3 4 5 यूज किया था तो हमारे पास आंसर आया था 14, यहाँ पे कितने का गैप आ रहा था, चार नंबर का गैप आ रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे चार नंबर यूज कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं पांच नंबर, 1 2 3 4 5, हमारे पास आंसर कितना है 15, अब हम आगे ले रहे हैं 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने नंबर का गैप आएगा, पांच नंबर का गैप आएगा, क्यों, क्योंकि अब हम पांच नंबर यूज कर रहे हैं, तो 15 में 5 प्लस करो जरा, कितना आंसर आता है आपके पास, 5 प्लस 5 10, और 1 कैरी आ गई, 1 प्लस 1 2 20, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 20। आप चेक भी कर सकते हो कि ये जो आपके पास 20 आंसर आया ये सही है या गलत, तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं 2, उसके बाद हमने लिखा है 3, 3 के बाद हमने लिखा है 4, फिर हमने लिखा है 5, 5 के बाद हमने लिखा है 6, प्लस करेंगे सर बच्चे, 2 में 3 प्लस किए कितना आंसर आया 5, 5 में 4 प्लस करो कितना आंसर आ रहा है
नाइन, नाइन में फाइव प्लस किए कितना आंसर आ रहा है आपके पास, फोर्टीन, फोर्टीन में सिक्स प्लस किए कितना आंसर आ रहा है, ट्वेंटी आ गया। ट्वेंटी मतलब आपको अब प्लस करने की जरूरत नहीं, आपको वैसे ही पता है कि इसका आंसर ट्वेंटी आएगा। क्यों? क्योंकि पीछे वाला नंबर फिफ्टीन है और यहाँ पे हम जब पांच नंबर का यूज कर रहे हैं तो उन पांच को हम फिफ्टीन में प्लस करके ट्वेंटी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमने इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास आंसर कितना 20, ठीक है। अब हम 3 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आगे 3, 4, 5, 6, 7। अब इसका आंसर कितना आएगा, 20 में जल्दी से 5 प्लस करो, ये ज्यादा आसान है ना, इन सबको प्लस करने के करके, उसके कंपैरिजन आप सीधा 20 में 5 प्लस कर दो, तो 5 और 2 कितना आंसर आ गया 25। और आप बाद में सभी बच्चे चेक भी करेंगे कि ये जो हमने आंसर निकाला है सही है या गलत, ठीक है, आप लोगों का होमवर्क है। फिर अब हम 4 से स्टार्ट करते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितना आंसर आ रहेगा हमारे पास, 25 में 5 प्लस करो, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 30, तो यहाँ पे आएगा 30। अब हम 5 से स्टार्ट करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 30 में 5 प्लस करो, 5 और 3 ये आ गया हमारे पास 35, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट है, डज द सम ग्रो बाय 5 ईच टाइम, तो आपको नजर आया कि हर जगह जो सम है वो पांच नंबर से ग्रो कर रहा है, तो हम यहाँ पे सीधा आंसर कर देंगे यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्रेट मैसेज, तो सीक्रेट मैसेज में क्या बोला गया है, व्हाट आर यू डूइंग, ओके लेट मी सी इट लुक लाइक अ सीक्रेट मैसेज। तो यहाँ पे ये इस लड़के से पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये बोल रहा है आई एम ट्राइंग टू रीड द नोट माई फ्रेंड गेव मी, उसने बोला कि मैं इस नोट को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे फ्रेंड ने मुझे लिखा है, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, पर बोल रहा है कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर ये लड़की बोलती है ओके लेट मी सी, उसने बोला कि रुको मुझे देखने दो, ये बोली इट लुक लाइक अ सीक्रेट मैसेज, उसने बोला कि ये जो भी एक सीक्रेट मैसेज के जैसे नजर आ रहा है, जैसे आप लोगों को जैसे पता नहीं होगा तो जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, तो वो जो है वो कोड रखते हैं, सीक्रेट मैसेज रखते हैं ताकि किसी को पता नहीं चले कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हो कि कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, और कई बार आप अपने फ्रेंड के साथ सीक्रेट मैसेज करना चाहते हो कि किसी को पता नहीं लगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो आप कुछ कोड रखते हो, ठीक है, तो वैसे बात करने की कोशिश करते हो। अब देखो हम कैसे इसको डिकोड करेंगे, यामिनी एक्सप्लेन द रूल, यामिनी ने रूल को एक्सप्लेन किया कि किस लॉजिक के हिसाब से ये नंबर लिखे हुए हैं। नंबर्स हैव बीन यूज फॉर लेटर, इसने बोला कि ये जो नंबर हैं वो लेटर्स के लिए, मतलब ए बी सी डी के लिए यूज किए गए हैं, ये जो नंबर यहाँ पे लिखे हैं वो लेटर्स के लिए यूज किए गए हैं, ऐसे इसने बोला यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला फॉर एग्जाम्पल जे इज 10, पी इज 16, सो जम्प इज 10, 21, 13 एंड 16। तो उसने बोला कि जो 10 लिखा हुआ है यहाँ पे तो नहीं लिखा, तो उसने बोला जैसे जो 10 है वो होता है जे के लिए, जो सिक्स जो पी है वो होता है 16 के लिए, तो अगर आप यहाँ पे 10, 21, 13 और 16 लिखोगे तो ये बन जाएगा जंप, ठीक है। अब आपको बोला गया है कंप्लीट दिस लिस्ट ऑफ लेटर एंड नंबर टू हेल्प यू, अब आप ये सोचोगे कि कैसे आपको पता लगा कि जे जो है वो 10 के लिए होते हैं, मैं बताती हूँ। सभी पिछले बच्चे पहले यहाँ पे ए टू जेड तक, यहाँ पे जो नंबर है ए टू जेड तक ए बी सी लिखेंगे, ठीक है, ए बी सी डी ई लिखा इन्होंने, एफ G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z लिख दिया सभी ने A to Z तक। अब इसके नीचे आप काउंटिंग लिख दोगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26, और आप सभी को पता है कि A to Z तक में 26 लेटर होते हैं, ठीक है। अब आप देखो जरा J जो है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 10th नंबर पे आ रहा है, मतलब जहां पे भी 10 लिखा होगा उसका मतलब है J, ठीक है। अब P यहाँ पे नजर, P कितने नंबर पे आ रहा है, 16 पे नजर आ रहा है, मतलब जहां पे भी P लिखा होगा या 16 लिखा होगा उसका मतलब क्या है हमारे पास, ये है 16, इसका मतलब है P, मैं थोड़ा अलग कलर लेती हूँ, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे आप इसके लेटर को देखो और क्या हो सकता है, यहाँ पे उसने लिखा है 7, तो अब देखो जल्दी से कि 7 नंबर पे कौन सा लेटर है, कौन सा है 7 नंबर पे, जे, जे है ना, तो मतलब यहाँ पे होगा हमारे पास सबसे पहला लेटर आ गया जे, फिर उसके बाद लिखा हो यहाँ पे क्या लिखा है
15, अब 15 कौन से नंबर, 15 पे क्या है O, ठीक है, तो ये बन गया उसके बाद हमारा अगला लेटर O, फिर अगेन 15 है मतलब एक और O होगा, तो यहाँ पे लग गया O, अब 4 पे क्या है, 4 नंबर पे क्या है D, तो ये बन गया गुड, मतलब ये जो वाली लाइन है इसका मतलब है गुड, ठीक है। अब देखें 14 पे कौन सा नंबर है, ये रहा 14 पे N, तो हम यहाँ पे कर देंगे N, फिर 9 पे कौन सा नंबर है, 9 पे है I, तो यहाँ पे हम कर देंगे I, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद 7, तो 7 पे कौन सा नंबर देखेंगे G, हम यहाँ पे कर देंगे G, फिर उसके बाद कौन सा नंबर है 8, 8 पे कौन सा नंबर है H, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास H, फिर 20, 20 पे कौन सा नंबर है T, तो इसका मतलब क्या हुआ गुड नाइट, नाइट की स्पेलिंग होती है ना एन आई जी एच टी, आप सभी बोलते होंगे सोने से पहले गुड नाइट, तो इस सीक्रेट के मैसेज का मतलब क्या है गुड नाइट। तो देखो हमने नंबर से पता लगा लिया कि इसमें क्या लिखा गया, कैसे पता लगाया हमने, हमने लिखी एबीसी, उसके नीचे लिखा हमने 1 2 3 और जो जिस नंबर के ऊपर लेटर था उससे हमने पता लगा दिया। अब उसके बाद है टीनू वॉन्ट्स टू राइट टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, अब जो टीनू है वो अपने फ्रेंड को गुड मॉर्निंग लिखना चाहता है, तो मुझे बताओ कि वो कैसे लिखेगा, जल्दी से बताना। What will he write by using the same rule? जो ऊपर हमने रूल लगाया ना उसने भी नंबर में लिख के देना है, पर वो बनना चाहिए गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो आपको पता है पहले गुड, जी ओ डी, ये है गुड की स्पेलिंग। अब जी के लिए हम कौन सा नंबर लिखेंगे, जी, जी के नीचे कौन सा नंबर है 7, हम यहाँ पे लिख देंगे 7। ओ के नीचे कौन सा नंबर है, ये है ओ, ओ के नीचे 15, तो हम लिखेंगे 15। अब दो बार ओ है तो हम दो बार 15 कर देंगे। और डी के नीचे कौन सा नंबर है 4, तो ये बन गया गुड। अब लगाओ मॉर्निंग कैसे लिखोगे, अब एम, मॉर्निंग की स्पेलिंग क्या होती है एम ओ आर एन आई एन जी, यहाँ पे लिख के भी दिया आपको, ठीक है। अब एम कहाँ पे है, ये रहा एम, एम के नीचे कौन सा नंबर है 13, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13, ठीक है। फिर है ओ, ओ के नीचे कौन सा नंबर है 15, तो हम फिर से लिख देंगे यहाँ पे 15। फिर है आर, आर के नीचे कौन सा नंबर है दिख रहा होगा आपको 18, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 18। फिर है एन, एन के नीचे कौन सा नंबर, ये रहा एन और ये है एन के नीचे नंबर 14, तो हमने लिख दिया 14। फिर है आई, अब ये रहा आई आपके पास और आई के नीचे कौन सा नंबर है 9, तो हमने लिख दिया 9। फिर उसके बाद है फिर से एन, ये रहा हमारे पास एन और एन के नीचे नंबर है 14, तो फिर से हमने लिख दिया 14। और फिर है जी, तो जी का आपको पता है ये रहा जी और ये रहा नंबर 7, तो जब आपका फ्रेंड ये देखेगा तो उसे पता लग जाएगा कि ये लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग, ठीक है, अगर उसको ये रूल पढ़ने आ गया। नेक्स्ट आपको बोला इफ वी चेंज द रूल एंड राइट 1 इन प्लेस ऑफ बी एंड 3 इन प्लेस ऑफ डी एंड सो ऑन देन हाउ विल वी राइट लेट अस डांस। अब उसने आपको क्या बोला है कि हमने रूल ही बदल दिया, अब हमने यहां से 1 नहीं लिखा है, अब हमने बी के नीचे से 1 लिखना शुरू किया, तो आप बताओ कि क्या रूल होगा, आपने लिखा है लेट अस डांस, तो चलो हम करके देखते हैं क्या होगा हमारे पास रूल और क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे फिर से एबीसी लिखेंगे यहाँ पे, ए B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अब इन सब के नीचे 1 लिखेंगे। अब आपने 1 यहां पे नहीं लिखना है, आपको बोले कि आपने 1 लिखना है B के नीचे, अब यहां से शुरू करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, और जो 26 है वो अब आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। अब आपने 1 बी से लिखना शुरू किया और आपको क्या लिखना है, अब लेट अस डांस ये आपने लिखना है, तो आप क्या नंबर लिखोगे, तो L कहाँ पे, ये रहा L, L के नीचे कौन सा नंबर है 11, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11। फिर है E, तो E के नीचे कौन सा नंबर है 4, तो हम यहाँ पे कर देंगे 4। फिर है T, T के नीचे कौन सा नंबर है 19, तो हम यहाँ पे कर देंगे 19, ये बन गया हमारे पास लेट। फिर उसके बाद है अस, तो U है ये हमारे पास, U के नीचे कौन सा नंबर है 20, तो हमने लिख दिया 20। अब उसके बाद है S, S के नीचे ये है S और S के नीचे है 18, तो हम यहाँ पे कर देंगे 18। फिर है डांस, D है, D के नीचे क्या लिखा हुआ है 3, हम यहाँ पे लिखेंगे 3।
फिर ए है, ए के नीचे अब क्या है इस बार 26, क्योंकि अब एबीसी तो आपने पूरी की ना, 25 तक तो हो गया, अब 26 यहाँ ही जाएगा ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 26। फिर हमारे पास एन, एन कहाँ पे, ये रहा एन, एन के नीचे क्या वर्ड लिखा हो, क्या नंबर लिखा है, 13, तो हम लिख देंगे 13। ये 3 है, ये 26 है, फिर 13 लग से है। फिर है सी, अब सी के नीचे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 2, तो फिर हम लिख देंगे 2। फिर है ई, ई के नीचे अगेन आपको पता है कि नंबर लिखा हुआ है 4, तो ये है हमारे पास 20 और 18 करके, ये 11, 4 और 19, तो हमने लिख दिया लेट अस डांस। तो ये रहा आपका आंसर, आप वहां पे लिख सकते हो 11, 4, 19 बन जाएगा लेट, 20 एंड 18 बन जाएगा अस, और डांस का बन जाएगा 3, 26, 13, 22 एंड 4, ठीक है। ये हो गया, हमने यहाँ पे लिख दिया लेट अस डांस, आप यहाँ पे इसको फिल कर लेना जो मैंने अभी आपको लिखवाया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोर सीक्रेट मैसेज। देखो और भी ज्यादा इन्होंने सीक्रेट मैसेज बनाए हैं इस तरह से, ठीक है, पर इसको कुछ समझ नहीं आ रहा लड़की को कि क्या सीक्रेट मैसेज इन्होंने लिखा। अब हम समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। शबलू एंड जग्गू, शाबलू एंड जग्गू आर प्लेइंग अ गेम, ये दोनों जो है वो गेम खेल रहे हैं। दे आर राइटिंग सम सीक्रेट मैसेज, ये जो है वो कुछ सीक्रेट मैसेज लिख रहे हैं। बट कोहली इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम, ये जो लड़की है कोहली, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो जग्गू एक्सप्लेन द रूल, तो जग्गू ने उसको रूल को एक्सप्लेन किया कि उन्होंने किस हिसाब से ये सीक्रेट मैसेज लिखे हैं। तो जग्गू ने बोला, यू सी वी हैव चेंज्ड ईच लेटर बाय इट्स नेक्स्ट लेटर, उसने के बोला हमने हर एक लेटर को उसके नेक्स्ट लेटर से बदल दिया है। दैट इज वी राइट जी इन प्लेस ऑफ एफ, ओ इन प्लेस ऑफ एन, सो Yes become ZFT, okay। तो यहाँ पे क्या है इन्होंने किया हुआ है कि इन्होंने, जैसे आपको फिर से हम ABC लिख लेते हैं यहाँ पे, अब हमने इसको कैसे लिखना है, एक और पेज पे फिर से ABC लिखेंगे सभी बच्चे, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब रूल क्या है, क्या रूल ये बता रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे G आना चाहिए था, तो हम G के बजाय उसका आगे वाला लेटर लिख के यहाँ पे H लिखेंगे, समझ रहे हो, ये वाला इन्होंने रूल लगाया, मतलब जो भी लेटर है उससे आगे वाला इन्होंने रूल में लगा दिया, ठीक है। अगर मान लो इनको लिखना है Y, तो Y मान लो इनको लिखना है यस, तो इन्होंने यस लिखने के लिए क्या किया कि वाई के आगे का लेटर क्या है, जेड है, तो इन्होंने वाई की जगह लिखा जेड। ई है, ई के आगे का लेटर क्या है, एफ, तो उन्होंने लिखा एफ। और एस का, एस है, एस से आगे क्या लेटर है, टी, तो ये बन गया जेड एफ टी। अब देख के तो किसी को पता नहीं लग गया कि इसका मतलब यस है, और उनको अपने आपस में पता है कि हमने क्या रूल लगाया है कि जो भी लेटर है, अगर यहाँ पे वाई ई एस है, तो हमने उससे आगे वाला लिखना है, ठीक है। जैसे कि अब आपको और दिखाते हैं, और इन्होंने क्या लिखा यहाँ पे, ये देखो इन्होंने लिखा है जेड पी वी। अब क्या होगा इसका मतलब बताओ जरा मुझे, जेड पी वी का क्या मतलब, इन्होंने अगला लेक्चर लिखा है जेड पी वी। अब जेड है मतलब इन्होंने कुछ तो जो भी अक्षर यहाँ पे लिखा है, एक्चुअल में जो जो वर्ड होगा वो उससे पीछे वाला होगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने रूल के लिखा, अगर वाई लिखना है तो जेड लिखो आप, तो अगर उन्होंने जेड लिखा है मतलब कि जो पीछे वाला अक्षर होगा असली में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वाई, जेड से पीछे जो आएगा वो वाला ये अक्षर होगा, ठीक है। पी कहाँ है, ये रहा हमारे पास P, P से पीछे क्या आता है O, तो यो हो गया। V, V के पीछे क्या आता है U, तो ये बन गया U, मतलब इस अक्षर का मतलब है जेड पी वी का U, और आप देख पा रहे होंगे U के आगे ही V आ रहा है, तो मतलब जो पीछे वाला अक्षर होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास आंसर J, J, G, J, O, F, जरूर देखो इसका क्या होगा, सभी बच्चे साथ में करेंगे G, J, O, F। अब बताओ G कहाँ है, ये है, तो G के पीछे वाला अक्षर कौन सा है, F, तो सभी बच्चे लिख देंगे F। अब J कहाँ, ये रहा J, J के पीछे वाला अक्षर क्या है, I। फिर O, O के पीछे वाला अक्षर क्या है, N। और F, F के पीछे वाला अक्षर क्या है, E, तो ये हो गया फाइन, ठीक है। तो आपने बस ये याद रखना है कि जो भी इन्होंने लिखा हुआ है उससे आपने पीछे वाला अक्षर जो है वो लिखना है, तो आपको इसका आंसर पता लग जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो कोहली, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड, तो कोहली बोला अच्छा मैं समझ गई। सो कोहली सी व्हाट आई हैव रिटन, तो कोहली ने बोला देखो मैंने क्या लिखा, उसने लिखा एक्स एफ बी एस एफ जी एस जे एफ ओ एफ टी, तो बताओ इसका क्या मतलब, क्या क्या लिखा है उसने, हम यहाँ पे करके देखते हैं एक्स एफ और क्या है एक्स एफ बी एस एफ, सभी बच्चे ना मुझे फटाफट से आंसर बताएंगे, बी एस एफ
XF है, BSF है और GSJF, GSJF, GSJF और क्या है इसके बाद हमारे पास OET, उसके बाद है OET, OET, उसके बाद हमारे पास इसका क्या आएगा, हमने हमें इसे कन्वर्ट करना। अब X क्या है, ये रहा X, X के पीछे कौन सा लेटर है, W, तो यहाँ पे आएगा W। अब F, F कहाँ पे, ये रहा F, F से पीछे वाला लेटर कौन सा है, E, तो ये बन गया V। अब है BSF, तो B क्या है हमारे पास, ये रहा B, B से पहले के अक्षर है A, मतलब आपको पता है कि हमने वो लेटर लिखना है जो इससे पीछे है। अब S कहाँ है, ये रहा S, S और S के पीछे का कौन सा लेटर है, R, तो ये हो गया R। फिर F है, ये रहा F, F से पीछे कौन सा E, तो ये बन गया VR। अब G है हमारे पास, तो G के पीछे क्या है, F, F और F के पीछे F, उसके बाद है S, S के पीछे क्या है R, तो V F R। फिर J, J का क्या, J कहाँ पे है, ये रहा J। अब J के पीछे क्या है, I, तो हमने लिख दिया I। फिर क्या है, F। अब अगेन हमारे पास, मैं थोड़ा सा अलग कलर यूज करती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए कि हम क्या लिख रहे हैं। फिर हमारे पास है F। अब F से पीछे क्या है, E, मतलब जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उससे आपने पीछे वाला लिख देना, तो ये बन गया V F R I O। O के पीछे क्या है, N, तो यहाँ पे हमने लिख दिया N। फिर है E, E के पीछे कौन सा वर्ड है, E के पीछे है D, तो ये बन गया D। और T का मतलब क्या है, T के पीछे क्या है, S, तो ये बन गया V R फ्रेंड्स, मतलब कि हम दोस्त हैं, तो इसका आंसर है V R फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज कोहली सीक्रेट मैसेज, तो यहाँ पे आपने लिखना है इसको, ठीक है, वी आर फ्रेंड्स, कि हम फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डिड शाबलू एंड जग्गू राइट, तो आपने बताना है कि शाबलू और जग्गू ने क्या लिखा है, तो ये आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है शाबलू और जग्गू ने, तो ये आप लोगों का होमवर्क भी, आपने कोशिश करनी है कि इनके क्या आंसर हैं, अगर और कल फिर मैं आपको आंसर बता दूंगी और फिर देखते हैं कि किस किस ने सही आंसर किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, यूज द सेम रूल टू राइट मीट मी ऑन द मून, आपने यही रूल का यूज करके मीट मी ऑन द मून बनाना है, ठीक है, तो कोशिश करके देखते हैं हम। आपने लिखना है मीट मी ऑन द मून, ठीक है, तो जल्दी से देखना है आपने क्या करना है, कहाँ है एबीसी, देखो फटाफट से, हमने लिखी हुई है, आपने एक जगह आपने लिख लेनी है एबीसी, फिर आपको एक बारी में आसान हो जाएगा। तो एम है, तो हमने यहाँ पे एम नहीं लिखना, हमने एम से आगे वाला एक्शन लिखना है। अब आप सोचोगे कि हम आगे वाला क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आंसर पहले से ही दिया हुआ है, तो अगर आंसर पहले से दिया हुआ है और हमें कोई सीक्रेट मैसेज लिखना है तो हमने उसके आगे वाला एक्शन लिखना है, और अगर हमारे पास सीक्रेट मैसेज दिया और हमने उसका आंसर निकाला तो हमने पीछे वाला एक्शन लिखना है। तो अब एम से आगे क्या है, एन, तो आपने यहाँ पे करना है एन। फिर उसके बाद क्या है, ई, दो बार ई है ना, तो ई के आगे कौन सा एक्शन होता है, एफ, ई के बाद आता है एफ, तो हम यहाँ पे दो बार कर देंगे एन एफ एफ। अब टी हमने देखना है, टी के आगे कौन सा आता है, देखो सभी, ये रहा टी, टी के आगे क्या रहा, यू, तो हम यहाँ पे कर देंगे यू। अब M, M का हमने भी देखा, M के आगे आता है N, और E का हमने भी देखा, E के आगे आता है F, तो ये बन गया इसके लिए। अब O है, O के आगे क्या आता है और N के आगे क्या आता है, देखते हैं, O के आगे आता है P और N के आगे आता है O, तो ये बन जाएगा PO। अब है T, T के आपने अभी देखा हमने, T के आगे आता है U, H, H का हम देखेंगे और E के आगे तो आता है F, तो H का क्या आएगा, H के आगे कौन सा लेटर आता है, I, तो हम यहाँ पे कर देंगे I। फिर से आ गया M, M का हमें पता है, M के आगे आता है N, फिर O, O का हमने अभी देखा, O के आगे आता है P, दो बार P लिख दो और N के आगे क्या आता है O, ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया सीक्रेट मैसेज N F F U N F, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे N F F U N F P O U और उसके आगे क्या था U I F U I F और मून के लिए क्या था N P P और O, ठीक है। मेक अ डिफरेंट रूल्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू क्रैक द सीक्रेट, आप भी अपनी मर्जी से कोई भी रूल बना सकते हो और अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि सीक्रेट मैसेज को बताओ। नेक्स्ट है अपसाइड डाउन,
तो ऐसा करते हैं कि आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मजा आया होगा, आपने न्यू चीज सीखी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अभी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। और अगर कोई भी आपका भाई बहन क्लास थर्ड में, तो आप उन्हें हमारी पुरानी वीडियोज रिकमेंड कर सकते हैं जिसमें हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। थैंक यू।